काम बंद हड़ताल का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर इंदौर के एमवाईएच और अन्य जगह नर्सिंग ऑफिसर अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। नर्सिंग ऑफिसर्स ने आज बताया कि स्टाइफंड ग्रेड 2 में करने और ग्रेड पे बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ पूरे प्रदेश में अलग अलग तरह से बीती 3 जुलाई से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जहां स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसी कड़ी में नर्सिंग स्टाफ आज एमवाई अस्पताल में शिवराज सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करके आहूतियां डाली। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि शिक्षकों कर्मियों सहित अन्य शासकीय कर्मचारियों को सरकार तवज्जो दे रही है। वहीं अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश के नर्सिंग स्टाफ को यहाँ की सरकार अनदेखी कर रही है, जिसके कारण बीते कई सालों से नर्सिंग स्टाफ स्टाइफंड बढ़ाने सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। लगातार आपके प्रदर्शन जारी है क्योंकि सरकार की ओर से देखा जा रहा मांगे तो पूरी नहीं हो रही। आज क्या प्रदर्शन किया आपने? आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ के आयोजन किया है कि सरकार को इस यज्ञ से सद्बुद्धि मिले और वो एक बार फिर हमारी मांगों पे गौर करे और हमारी मांगों को पूरा करे। क्या मांगे हैं आपकी? मेन मांगे तो हमारी सेकेंड ग्रेड पे है स्केल है, जो कि अदर स्टेट में दिया जा रहा है मगर हमारे यहाँ नहीं दिया जा रहा। बार बार हमें सिर्फ टाला जा रहा है। कभी ये बोला जाता है कि यदि हम ये मांग रहे हैं तो ऑलरेडी जो डॉक्टर्स हैं उनका ग्रेड पे इतना है तो हम आपको वहाँ तक नहीं दे सकते हैं। पर अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले ही डॉक्टर्स का ग्रेड पे बढ़ गया है, तो उस नेचुरल सी बात है कि हमारा ग्रेड पे भी बढ़ाया जा सकता है। मंत्रियों की सैलरी भी बिना किसी आंदोलन बिना किसी मांग के बढ़ा दी जाती है और अभी पंचायत में भी उन्होंने वेतन सभी का बढ़ाया है, तो फिर हमारे साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? प्रदर्शन जारी रहेगा आपके? बिल्कुल प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाएंगे। मैडम मरीज भी परेशान हो रहे हैं जी, हाँ देखा जा रहा है, लेकिन आपका प्रदर्शन जारी है, क्या कहेंगे? मरीज परेशान के लिए मैं एक्चुअली रोज़ ये क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि मरीज परेशान हो रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं, वो मैं मान रही हूँ। मगर आप एक बात याद करिए कि जब कोविड में हम अपनी फैमिली को छोड़ के ड्यूटी करते थे, हम पीपी किट पहनते थे तो हम पानी तक नहीं पीते थे कि हमें वॉशरूम ना जाना पड़े। और हम फीमेल्स हैं, आप जानते हैं कि हमारी और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब हमने वो प्रॉब्लम्स अपनी नज़रअंदाज करके और जब नाइट ड्यूटी हम लोग करते हैं, जो लड़कियां फीड करवाती हैं और जब वो फीड नहीं करवा पाती बच्चे को तब उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब वो चीज़ें गवर्नमेंट को ये चीज़ें सोच के जब वो हमारे लिए नहीं सोच रही है तो फिर हम वो भी मरीजों के लिए वो भी उतनी ही जवाबदार है जितनी कि हम जवाबदार हैं। प्रदर्शन के दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं जी। 3 तारीख से आप शुरू हुए तो 10 तारीख के बाद आप निश्चित करने हड़ताल पर बैठ गए हैं, क्या अभी कोई किसी जनप्रतिनिधि या किसी ने आपसे चर्चा जी? नहीं, किसी ने कोई भी चर्चा नहीं की है हमसे अभी तक भी। तो फिर आप जैसे हमारी जिम्मेदारी है हम मरीजों को देखें उनके लिए काम करें, वैसी सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वो हमारी मांगे सुने। डेविना कैरिन मैथ्यूज, नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन, जिला अध्यक्ष।